देखता है बी नंबर का, ये थोड़ा आपको टेढ़ा लग रहा होगा, माइनस का रूट तीन बट्टा दो, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। तो जैसा आपने रूट तीन का खींचा है ना, तो पहले रूट तीन का खींच लो, उसके बाद आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो, माइनस का इन्फिनिटी प्लस का इन्फिनिटी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं जीरो, ठीक है, यह आपका जीरो हो गया, इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसे तो मैं बता चुका हूँ ना। चलिए तो पहले हम लोग रूट तीन का खींचते हैं, इसको ओ ले लेते हैं। मैं यहाँ पे कॉर्नर पे लिख देता हूँ कि एक इकाई बराबर, एक इकाई जो है किसके बराबर है, हमारे दो सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ से दो सेंटीमीटर नापेंगे और एक इकाई लिखेंगे और यहाँ पे बिंदु ए ले लेते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं इस पे एक लंब लेता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बता रखा पहले भी, ये भी आपकी एक इकाई ही लेंगे, एक इकाई ही लेंगे। चलिए अब इस लंब से यहाँ बी दे देंगे और इस ओ बी को मिला देंगे, ये रूट दो के लिए हो जाएगा, ये रूट दो के लिए हो जाएगा, आपको पता है यह रूट दो के लिए हो जाएगा। और फिर इस पर एक और लंब ले लेते हैं ओ बी पर, तो यह रूट तीन के लिए हो जाएगा, ठीक है। ओ बी पर एक लंब ले लेते हैं, वो भी आपका एक इकाई यानी कि दो सेंटीमीटर ही रहेगा, और हम लोग यहाँ से इसको मिला देते हैं, ठीक है। इसका नाम यहाँ पे मैं सी दे देता हूँ, ठीक है। तो यह आपको पता है, निकालेंगे तो रूट दो आएगा, यह रूट तीन आएगा, मैं निकाल के दिखा दूंगा, ठीक है। मैं अभी निकाल के इसको आगे दिखा देता हूँ। चलिए इसको पहले मैं दिखा देता हूँ कि रूट तीन है, या बाद में देखा जाएगा, पहले हमें यहाँ पे ये रूट तीन हो गया। अब क्या करो, आप रूट तीन के लिए क्या करोगे, यहाँ पर काल का नोक और यहाँ पे पेंसिल का नोक, यहाँ से एक चाप ऐसे गिरा देंगे, ठीक है। तो ये आपका कितना के लिए हो जाएगा, रूट तीन के लिए होगा। तो हमें तो रूट तीन दिखाना नहीं है, इसको कोई बिंदु दे देते हैं, मान लो इसको बिंदु P मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर काल का नोक, यहाँ पेंसिल का नोक रख के OP की लंबाई निकाल लेंगे, ठीक है। और इसके विपरीत फिर प्रकाल को इधर घुमाकर ओपी की लंबाई निकाल के इसी के बराबर इधर काट लेंगे, वही चाप काट लेंगे, यहाँ ओपी को नाप के और इधर घुमा के यहाँ से काट लेंगे। यहाँ पे मैं क्यू ले लेता हूँ, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, यह माइनस का रूट तीन हो जाएगा और इसका आधा चाहिए, तो मैं यहाँ ओ क्यू का समद्विभाजक खींचूंगा। तो समद्विभाजक खींचने के लिए आपके पास प्रकाल जो है ना, एक तरफ पेंसिल लगा होगा, तो इसके आधे से ज्यादा नाप कर यहाँ पे रख के इधर काटेंगे और इधर काटेंगे, फिर ओ पर रख के इधर काटेंगे और इधर काटेंगे, और दोनों को मिला देंगे, समझ गए ना। प्रकाल का नोक यहाँ रखेंगे, इसके आधे से ज्यादा फैला लेंगे प्रकाल को, ऊपर काटेंगे नीचे काटेंगे, फिर ओ पर रख के इधर, इधर काटेंगे इधर पे, एक बार क्यू पे एक बार ओ पर रख के ऊपर नीचे काटेंगे, और फिर इसको मिला देंगे, यानी कि ये समद्विभाजित कर दिए, रेखा को समद्विभाजित किए, और यही जो समद्विभाजन बिंदु हुआ ना, यही आपका माइनस का रूट तीन बटा दो प्राप्त हो जाएगा। तो यही हमारा निकालने वाला पॉइंट एस मान ले, चलिए एस मान लेते हैं। तो चलिए इसको अब साबित करना ही मेन है। तो पहले मैं त्रिभुज ए ओ बी में चलता हूँ, पहले रूट तीन वाले पे चलते हैं। ओ बी बराबर रूट अंडर ओ ए का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा एक का स्क्वायर प्लस में एक का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, यानी रूट दो आ जाएगा, ठीक है। अब त्रिभुज बी ओ सी में चलो, बी ओ सी में, बी ओ सी में ओ सी बराबर यहाँ पे भी इसी तरह से ओ बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, पाइथागोरस लग रहा है, यहाँ पे रूट दो का स्क्वायर और प्लस में एक का स्क्वायर, ठीक है। तो रूट दो का स्क्वायर दो हो जाएगा और एक तीन, रूट तीन हो गया, यानी कि ओ सी यहाँ पे लिखता हूँ, ओ सी ओ पी के बराबर होगा, चाप जो काटे हैं समान चाप है, समान चाप काटे हैं, काटे हैं समान चाप काटे, यानी कि ये दोनों जो हुआ रूट तीन हो गया। अच्छा अब OP जो है ना OQ के बराबर, समान चाप हम लोग काटे हैं, समान चाप काटे हैं, यानी कि यह भी आपका रूट तीन हुआ। OQ का, OQ को समद्विभाजित किए, समद्विभाजित किए, समद्विभाजित कर, यानी दो बराबर भागों में समद्विभाजित कर S बिंदु, समद्विभाजन बिंदु को S दिए, समद्विभाजित कर समद्विभाजन बिंदु को, समद्विभाजन बिंदु को, समद्विभाजन बिंदु को S नाम दिए, नाम दिए, यह आपका S नाम दिए हैं, समद्विभाजन बिंदु को S नाम दिए हैं, ठीक है। और यही OS जो हो जाएगा ना, OS, OS जो हो गया वही माइनस का रूट तीन बाई दो को वहां रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ गए। चलिए इसका